राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में मनाए जा रहे गांधी जयंती सप्ताह के आखिरी दिन आज प्रेस क्लब में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने वर्तमान भारत की चुनौतियों एवं गांधी के मार्ग की विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया तथा संचालन महानगर अध्यक्ष सुनील पाठक ने किया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के व मुख्य वक्ता प्रोफेसर रविकांत सहित कांग्रेसियों ने गांधी जी के चिन्ह पर पुष्प अर्पित कर गोष्ठी के पूर्व लखनऊ से आए मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। एक भगत सिंह के मरने से हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे और भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो विचार का नाम है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भगत सिंह उस तरह से शहीद हुए। भगत सिंह के विचार आज भी जिंदा है और गांधी जी बराबर भगत सिंह को क्रांतिकारियों को तवज्जो देते। आपने बताया कि गांधी जी का प्रमुख स्थल उनका अनशन हुआ करता था, फिर इस मुद्दे पर उन्होंने अनशन क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, अनशन की उसके लिए जरूरत नहीं थी। हमेशा अनशन नहीं करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि उनका जो सिद्धांत है अहिंसा का, उन्होंने उस समय जो चिट्ठी लिखी थी कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, तो उस समय करीब 9000 कैदी थे उनको रिहा किया गया था। लेकिन भगत सिंह की तरफ से चूंकि माफ़ीनामा उस तरह का नहीं लिखा गया तो गांधी जी को अनशन करने की जरूरत नहीं लगी। अब हम ये आज कैसे उम्मीद करें कि नहीं साहब इस पर अनशन क्यों नहीं किया? तब तो 50 सवाल होंगे कि गांधी जी ने इस पर क्यों नहीं किया। सब ये बात ये होनी चाहिए कि गांधी जी ने जो किया है उसका मूल्यांकन किस तरह से होगा। हमें ये सवाल उठाने का आज बड़ा शौक है कि उन्होंने ये नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि उनको जरूरत थी। उन्होंने 10 चिट्ठियां इरविन को लिखी लेकिन इरविन उसके लिए तैयार नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि गांधी ने अनशन हमेशा अपने लोगों का हृदय परिवर्तन कराने के लिए किया है। गांधी जानते थे कि अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो अनशन अंग्रेजों के खिलाफ करने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा ये बताइए, गांधी जी जो तो उपाध्यक्ष बोस जी थे उनको क्या कहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफे के लिए क्यों कहा गया था इसका? गांधी जी जब सुभाष चंद्र बोस जी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उस वक्त गांधी जी ने उनसे इस्तीफा देकर नेहरू को क्यों अध्यक्ष बनवाया था? पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया था सुभाष के खिलाफ, लेकिन सुभाष उस चुनाव में जीते थे। मैं इतिहास चूंकि पढ़ता हूँ इससे मुझे मालूम है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को उस समय बधाई दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वो मैं स्वयं हूँ। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस अब जिन लोगों के हाथों में खेलेंगे वो उस पर दिक्कत थी, इसलिए वो समझते थे कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ठीक लोगों के हाथ में नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने उनके लिए मजबूर किया कि सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दें।